बात जो भी करे स्पष्ट वादी कर। मुझे लग रहा है कि स्पष्ट वादिता की वजह से मैं इम्प्रेस हुआ। जी राजेश जी, जी राजेश जी, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए, यदि हम सोच में पॉजिटिव एनर्जी डाल पाएंगे तो हमारे कार्य में भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। एक्चुअली मैं जब मैं पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ना चाहता था और ना ही जुड़ा हूँ, लेकिन इन्होंने हमें डाल रखा था उसमें। ओके, मैं उसका कोई मेंबर नहीं हूँ, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रखा था। ओके, तो मैं कभी कभी देख लेता हूँ कि कौन क्या बातें कर रहा है। उसमें से होता क्या है कि एक ढेर में से हमें पत्थरों के ढेर में से हीरा खोजना होता है। आप ठीक बात बोल रहे हैं, आप ठीक बात बोल रहे हैं। और लोग आग इतनी सारी फालतू की चीजें जो है करते रहते हैं कि वो उससे, मैं नहीं देखता हूँ, उससे कंफ्यूजन भी बहुत क्रिएट होता है। ठीक बोल रहे हैं आप, ठीक बोल रहे हैं। तो हमें एक शख्स सही मिला जिसे मैंने मैंने कहा उनसे बात करते हैं क्या है कहाँ है, तो इसीलिए आपको फोन किया था। तो राजेश जी, आप मेरे बारे में कुछ जानते हैं या कुछ भी नहीं जानते? नहीं 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 नहीं, मैं एकदम सिर्फ आपका जो वो था वॉइस रिकॉर्डिंग थी वही सुनी। बाकी मैं देखिए आदमी की क्या बात करने का तरीका है उसको देखता हूँ, मैं उसका बैकग्राउंड बाद में देखता हूँ। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। तो वैसे मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ 84 बैच का, और अभी डीजीपी मध्य प्रदेश पुलिस रिफॉर्म से रिटायर हुआ हूँ थोड़े समय पहले। अच्छा, बहुत और अच्छा। और इस समय दो नेशनल पुलिस मिशन को मैं हेड कर रहा हूँ। अच्छा जी, एक है कि क्राइम फ्री भारत विथ 5 सर्टेंटीज एंड विथ 5 रेवेन्यू स्ट्रीम चेंजिंग द फेस एंड फेट ऑफ द कंट्री, और दूसरा जो है वो भी जुड़ा हुआ है बट वो रेलवे से जुड़ा हुआ है कि रेलवे क्राइम को जो है ना थ्रू ऑटोमेटेड सिस्टम, और ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। और फिर इसी के अंदर जो है देयर आर 18 भारत। तो जैसे एक्चुअली में क्या हो रहा है कि हम दूसरों के लिए मौत के गड्ढे खोद रहे हैं इस भूल में कि हम उससे बच जाएंगे। अब देखो ये चारों तरफ अंधकार इसमें मचा हुआ है। जैसे अजूम करिए कि हम लोग जो ब्लाइंडली, शायद उस समय की आवश्यकता भी थी जब हरित क्रांति उस समय ग्रीन रेवोल्यूशन आया, और वो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ना इट वाज ड्रिवन बाय केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, राइट, और हैवी यूज ऑफ द वाटर ऑल्सो। और उसके रिजल्ट अपन ने देखा कि पंजाब जो है वो फूड ग्रेन ऑफ इंडिया बना, लेकिन साथ में जो है वहां पे बहुत प्रॉब्लम आई। पहली प्रॉब्लम तो आई है कि जो ग्रेन है वो विषाक्त ग्रेन हो गया है, हम उसको समझ नहीं रहे हैं, जो आप खा रहे हैं दैट इज कंफ्यूजिंग योर बॉडी सेल एंड कॉजिंग कैंसर। और ये कोई बीमारी नहीं है, इट इज रिवोल्ट ऑफ योर बॉडी अगेंस्ट योर सेल्फ, राइट। अब आप ये देखेंगे कि पंजाब से ढेर सारी जो है कैंसर ट्रेन चल रही है, तो ये कैंसर कहां से आया? कैंसर तो कोई इंफेक्शन नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, आपकी ही बॉडी सेल ने केमिकल की ओवरडोज के कारण इट हैज ओवर रिएक्टेड एंड इट इज नॉट बिहेविंग द वे इट शुड बिहेव। तो ईश्वर ने सेल को ऐसा क्रिएट किया है कि अभी भी वो अच्छे ढंग से काम करती है, आपकी बॉडी को रिपेयर करती है, और उसमें ट्रिलियंस ऑफ बाइट्स की मेमोरी है, राइट। यही कारण है कि आप इस 10 जनरेशन पहले भी क्या थे वो भी मेमोरी आपके उस सेल में है, राइट।
इतने पावरफुल सिस्टम को हमने इस केमिकल की ओवरडोज के कारण कंफ्यूज कर दिया है, और इतना स्मार्ट जो आपका सेल है वो आपके विरुद्ध रिएक्ट करने लगा, राइट? तो देर इज ए नीड ऑफ रिवर्सल बाय गोइंग टू द डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर, ब्रिंगिंग द वेल्थ एंड रिचेस टू एवरीवन। और ये जो फ्रीवी कल्चर है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है, क्योंकि ये आदमी को निकम्मा बनाता है, उसका आत्मविश्वास और उसका आत्मसम्मान को भी कहीं ना कहीं वो कुंठित करता है। ये फ्रीवी कल्चर जो है ना, राजनेताओं ने अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए किया है। और ये राजनेता कौन है? ये कोई बहुत विद्वान लोग नहीं है, निकृष्ट तरीके के लोग हैं, जिसमें से 42% तो इनके विरुद्ध उनके अपने एडमिशन के हिसाब से जो ये इलेक्शन कमीशन में देते हैं, दे आर क्रिमिनल्स, राइट? और उसमें से 29% ऐसे हैं जो कि जिन्होंने कि बहुत ही गंभीर अपराध किए हैं, जो मर्डर, रेप, ऐसे अपराध 29% जो है आपके नेताओं के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ है, राइट? ये इस देश की विडंबना है कि जहां पे आप एक चपरासी बनना चाहते हैं, वहां पर जो है आपके कानून बनाने वाला, इस देश की भागडोर संभालने वाला, ये क्रिमिनल्स और चोर बन रहे हैं। यदि आप, आपकी उम्र क्या है इस समय? आपकी उम्र 50 है, ठीक है ना? तो आपने देखा होगा अपने शुरू के बचपन में कि क्रिमिनल्स नेताओं को सपोर्ट करते थे, राइट? अब जो है क्रिमिनल्स को ये महसूस हुआ कि हम इनको सपोर्ट क्यों करें जब हम खुद जीत सकते हैं, हैं? और उन्होंने ये भी पाया कि ये अच्छी समाज है जहां क्रिमिनल के जीतने की संभावना एक अच्छे व्यक्ति की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना नहीं, 10 गुना ज्यादा है। अब मैं आपकी बात मानने से मुझे कोई परहेज नहीं है, लेकिन जो मैं 3 गुना कह रहा हूं ये कहीं रिसर्च स्टडी में निकला है, उस इसलिए 3 गुना कह रहा हूं, लेकिन मैं आपकी बात को 10 गुना भी मानने के लिए तैयार, ठीक है ना? तो अब जो नेता जिनके पास कोई सोच नहीं है, कोई तौर नहीं है, कोई तरीका नहीं है, वो नेता जो है ना, एन केन प्रकारण सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। यदि वो अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं आ पाते हैं तो वो इधर उधर के लोगों से जोड़ के बिना दिशा दिशाहीनता केवल कैसे सत्ता में काबिज हो, इस तरीके के गठबंधन और गठजोड़ भी कर लेते हैं। तो इन नेताओं से किसी अच्छे चरित्र की अपेक्षा करना अब बड़ी भूल होगी। तो चाहे हम इस बात को माने चाहे ना माने, लेकिन अब एक समय आ गया है कि इन नेताओं को बदलने की बात की जाए। तो अब ये नेता कौन बदलेगा? ये तो नेता, इन्हें तो जो है चोर ही लोग पसंद आते हैं। चोर लोग जो है ना पैसा भी लाते हैं, उनके पास शारीरिक शक्ति भी होती है, उनके पास मैन पावर भी होता है, मसल पावर भी होता है, क्रिमिनल पावर भी होता है, राइट? और वो डरा के, धमका के, लोगों को जो है लालच दे के, मुफ्त जो है ना चीजें बांटने का लालच दे के, दारू बांट के, आपकी जो साड़ियां बांट के, किसी भी एन केन प्रकारण वो सत्ता में, और जीतने की उनकी क्षमता बहुत ज्यादा है। और हमारे जो वैल्यू सिस्टम ओवर द पीरियड, इतना हमने उसे खराब और हीन बना दिया है कि जो आपका प्रतिनिधि जेल में भी होता है वो जेल से भी जीत जाता है। बिल्कुल सही कहा। तो अब जहां पर कि चुनने वाला खराब है, और जो चुना जा रहा है वो भी खराब है, इस विषम परिस्थितियों में एक अल्टरनेट व्यवस्था यदि आप पैदा नहीं करेंगे तो इस देश का भला नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। राइट? और उसका तरीका बड़ा सिंपल है कि क्या इस देश में हम 540 ऐसे व्यक्ति नहीं हो सकते हैं जिनका जीवन ही तपस्या हो?
क्योंकि यदि आप ऐसे लोगों को खोजेंगे जो दूसरी जगह सत्ता नहीं पा पा रहे हैं और आपके माध्यम से उन्हें सत्ता मिल जाएगी, तो उनकी सोच में कोई फर्क नहीं होगा, वो उसी उसी थैले के चट्टे बट्टे होंगे। और जो है आपने देखा होगा कि वो जो है ना इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी को, वो भी ये देखते हैं कहाँ पे उनकी रोटी सिक सकती है, राइट। तो हम ऐसे जो है क्या 540 या 5000 ऐसे लोग इकट्ठे नहीं कर सकते हैं जिनका जीवन जो है अपने आप में एक मिसाल है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ करके दिखाया है, राइट। और उसी क्षेत्र की उनकी सोच को हम कानून में कैसे कन्वर्ट करें, उसकी एडवोकेसी अभी बनाई जाए, राइट। हम उसे कैसे जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्टेट स्टार्टअप और जो मैनेजमेंट के और टेक्नोलॉजी के जो नया कॉन्सेप्ट है, चाहे जो है ना उसको अमेज़न कर रहा हो, चाहे जो है ना दूसरे वो कर रहे हो, उन सब प्लेटफॉर्म, उन सब टेक्नोलॉजी, उन सब मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को पैकेज करके सामने वाले को बिना ज्ञान बांटे यदि हम उसका लाभ उन तक पहुंचा पाएंगे, तो हम एक बहुत ही हेल्दी वेल्दी व्यवस्था कायम कर पाएंगे। हम एक केमिकल फ्री एग्रीकल्चर ला पाएंगे। हम जो है जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको और अच्छे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है ना यूज करके हम उसे जो है, जैसे कि हम अपने छत के ऊपर एक सोलर पैनल लगाते हैं, तो जो हमें यूज करना होती है हम यूज कर लेते हैं, यदि हम ज्यादा हो गई तो हम उसे ग्रिड में बेच सकते हैं और उसका हमें पैसा मिल सकता है, राइट। तो ऐसे ही जो है ना हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पैदा करने के लिए जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्यों ना बनाए, हर किसान जो है उसको सुपरविजन मिले, यदि किसी के पास गोबर नहीं है तो गोबर उसके यहाँ पहुंच जाए, राइट। मतलब यदि उसके पास कैटल नहीं है तो, और हम जो है खाद जो उसको पैदा करें जिसमें माइक्रोब्स डालें, जो कि अभी जो हमारी मृत प्राय मिट्टी हो गई है उसे हम जीवित करें, और उससे जो हम चाहे अन्न चाहे सब्जियां या जो भी हम पैदा कर रहे हैं वो लगभग विषाक्त हो चुकी हैं, और जब हम उन चीजों को खाते हैं तो हमारे बॉडी में एनर्जी तो थोड़ी बहुत मिल जाती है, लेकिन साथ में वो बीमारियों का भी घर बन जाता है। तो हम ये एक समय है कि हम लोगों को आइडेंटिफाई करें जिसने जिस फील्ड में काम किया है, राइट। उन लोगों को जोड़ें, उन लोगों के वो बनाएं, उनके अनुभवों को जोड़ते हुए, और जो क्राइम फ्री भारत की अपनी एक सोच है, अपनी एक मेथोडोलॉजी है, उस माध्यम से जो है उसे लोगों तक पहुंचाएं, ज्ञान के रूप में नहीं, क्योंकि क्योंकि ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान हमेशा सामने वाले की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है, उसे ये डिपेंड करता है कि वो कितना जो है ग्राह्यता रखता है, राइट। यदि उसमें खुद ग्राह्यता नहीं है तो आपका ज्ञान ओवरफ्लो हो जाएगा, राइट। जैसे एक एक बर्तन है, यदि वो उथला बर्तन है उसमें आप कोई भी चीज डालेंगे तो वो बह जाएगी, क्योंकि उसे उस ज्ञान को होल्ड करने की ताकत नहीं है, राइट। अब अपन ने मान लिया कि ज्ञान को होल्ड करने की भी ताकत हो तो उसके खट्टे मीठे अनुभव के कारण वो जो है ना उसको यथार्थ में कन्वर्ट करने की उसकी क्षमता नहीं है। उसके लिए फाइनेंशियल रीजन हो सकते हैं, उसका एनवायरमेंट हो सकता है, उसकी घर की परिस्थितियां हो सकती हैं, राइट। तो पहले तो वो ज्ञान ही लेने की स्थिति में नहीं है, फिर ज्ञान को जो है ना हकीकत में कन्वर्ट करने की स्थिति में नहीं है। तो हम ज्ञान उसको देने की बजाय ज्ञान पात्र लोगों को दें और उन पात्र लोगों की सर्विस उन तक पहुंचाएं जहां पे कि उसे प्रोडक्ट और सर्विसेज के रूप में वो पहुंचे। तो उसके उसकी जमीन को यदि उसकी सॉइल की टेस्टिंग हो जाए, उसके सॉइल में जो चीज डालना है वो उसके तक घर तक पहुंच जाए, उसके पास पैसा नहीं है तो पैसा डिफर्ड पेमेंट में किसी व्यवस्था के तहत इट में बी ट्रीटेड एज ए डिफर्ड पेमेंट, भाई आज नहीं है, जब तुम पैदा कर लोगे तो उससे इसका वसूली अपने आप हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी, आपको भी नहीं करना है, ठीक है ना। और
जैसे मान लो उसकी मिट्टी किसी में डिफिशियंट है तो उसको जो ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए वो उसके पास पहुंच गया और उसको तत्काल उसका भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, इट कैन बी डन एज ए डिफर्ड पेमेंट, राइट। अब यदि आपकी उसकी मिट्टी से लेके जलवायु के बारे में सब कुछ मालूम है तो आप एक ऐप के माध्यम से उसे कह सकते हैं कि भाई आप अपने इसमें ये चीज बो सकते हैं, राइट। और बैकएंड इंजन जो है ना उसके डिफरेंट मॉडलिंग से यदि आप ये बोगे तो आपको फाइनेंशियल गेन इतना होगा, ये बैकएंड इंजन कैलकुलेट करेगा। वो आपकी लैंड की प्रोडक्टिविटी, आपके लैंड का वो आपके स्टेटस में, तो वो जो है ना राजेश परिहार की जमीन पे दूसरा जो है ना कैलकुलेशन बताएगा और मैथिली सनगुप्त की जमीन पे दूसरा कैलकुलेशन बताएगा। क्यों? क्योंकि उसे आपके वो माइक्रो एलिमेंट मालूम है डाटाबेस से, राइट। तो वो आपको सीट पहुंचा देगा। अब यदि मान लो आपके पास जोतने की व्यवस्था नहीं है तो वो आपसे पूछेगा भाई आपका तो जोतने का समय आ गया है, आप क्यों नहीं जोत रहे हैं? तो आपसे पूछेगा आपको मदद की जरूरत है क्या? तो आपके पास मदद पहुंच गई, चाहे ट्रैक्टर के रूप में पहुंचे या कैटल ड्रिवन जो है ना अप्लायंसेस के जरिए पहुंचे, तो आपकी खेती जो है ना बुक गई, राइट। फिर और जो भी सपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच जाए और आपका जो प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी को जो है ना ग्रेड करते हुए यदि आपको अपनी चीज का द बेस्ट प्राइस मिल जाए। अभी क्या हो रहा है कि आप जो चीज पैदा कर रहे हो उसको जो है ना सेठ खरीद रहा है, राइट। सेठ की जो जेब है वो बड़ी मोटी जेब है, राइट। और उसको वो खरीद के अपने पास होल्ड करता है, एक आर्टिफिशियल स्कर्सिटी क्रिएट करता है और उसे बेचता है। तो इसमें दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो नुकसान ये हो रहे हैं कि हर धान 22 पसेरी हो गया, राइट। मतलब जो मैंने किया और मेरा हर्बल का है, इसका है, उसका है, हमने बहुत सारी प्रिकॉशन करके उसको अमृत तुल्य बना दिया है अपने, चाहे वो अनाज हो, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे मेडिसिनल जो है ना आउटपुट हो, चाहे उसमें हनी पैदा करें, चाहे हम उससे दूध पैदा करें कैटल रख के, या हम उसमें जो है एक्वा कल्चर करके जो है इवन एलगाई पैदा करें या मछलियां पैदा करें या और कुछ पैदा करें, वो जो है दूसरों से भिन्न है और यदि आप उसे खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य वर्धक होगा, राइट। उसके तो यदि हम आपकी क्वालिटी, आपके ग्रेन का जो पॉजिटिव कंटेंट है यदि हम उसको कैप्चर करके और जो खरीदने वाला है उसको एक मॉडल के तहत वो खरीद पाए, उसे मालूम हो कि राजेश परिहार का जो गेहूं है वो बहुत अच्छा है, तो वो वैसे गेहूं वो 2000 में खरीद रहा है लेकिन आपका गेहूं वो 3000 में खरीदने के लिए तैयार है, राइट। तो उसको 3000 में मिल रहा है अभी, अभी तो उसको वैसे भी 3500 में मिल रहा है, तो उसको 3000 में राजेश परिहार का अच्छा गेहूं मिल रहा है और अभी वो विषाक्त जो है गेहूं खरीदा है 3500 में, तो जो कंज्यूमर है उसे भी फायदा होगा और जो किसान है उसको फायदा होगा और इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने में ढेर सारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, राइट। अब ये बताइए कि हेल्दी जो है और इलाज का सब लाभ जो है वो शहरों में लोग बैठे लोगों को ही क्यों मिलना चाहिए? आज मैं भोपाल में रहता हूं, हमारे अच्छा घर के आसपास जो है 2500 जो है ना हॉस्पिटल आ गए हैं। मतलब एक छोटे से कॉलोनी के आसपास 2500 हॉस्पिटल आ गए हैं, हॉस्पिटल की मशरूमिंग हो रही है, राइट। और आप गांव में जाइए तो वो उसको बेचारे को कुछ भी अवेलेबल नहीं। तो हम जो है टेक्नोलॉजी का यूज करके क्यों गांव में हर व्यक्ति का जो है हम बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे उसको मेडिकल चेकअप क्यों नहीं कर सकते हैं? और जैसा अपन कह रहे हैं कि खेती में हम उसको जो चाहिए वो दें, ऐसे ही हम आपको जो है जो चाहिए वो क्यों ना दें? जैसे अज्यूम करिए कि आपके उसमें कोई पर्टिकुलर माइक्रो एलिमेंट की कमी है, अब मैं इंसान की बात कर रहा हूं, अब मैं सॉइल की बात नहीं कर रहा हूं, तो हम जो है उसमें आपके खाद्यान्न में उन चीजों को मिक्स करके कितने क्वांटिटी में मिक्स कर रहे हैं, ऐसा आटा क्यों नहीं भेज सकते? आप रेस्टोरेंट में यदि आप खाना चाह रहे खाना खाने जा रहे हैं
तो आपके अलग अलग व्यक्ति के आइडेंटिटी के हिसाब से यदि किसी को बीपी है तो बीपी में हम आपको सबसे स्वादिष्ट क्या व्यंजन भेज सकते हैं, राइट? वो च्वाइसेस हम वहां कन्वर्ट करें। अभी जो च्वाइसेस भी नहीं है, डिसीजन कोई दूसरा ले रहा है, एबनॉर्मल फायदा ले रहा है और बेनिफिट कुछ लोगों के हाथ में आ रहा है। इसमें जो है ना, हम सभी को इन्वॉल्व करके वी कैन ट्रांसफॉर्म अवर लिविंग, राइट? और जो दूसरे लोगों ने जो है ना बहुत सारी थ्योरियां फैला के, जो इंडियन का जो वैदिक ज्ञान है जिसका कोई कोई मुकाबला नहीं है, जब ये सब लोगों को कपड़े पहनना नहीं आते थे, बोलना नहीं आता था, तब उस समय हमारे पास वैदिक सभ्यता थी, वैदिक ज्ञान था, उस समय हमारे यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी थी, ऐसी वो चीजें थी। जब ये लोग जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे, उस समय हमारे इंडिया में स्टील बनती थी, सब चीज बनती थी, हमारी जो साड़ियां होती थी वो इतनी अच्छी होती थी कि एक अंगूठी में पूरी साड़ी निकल जाती थी, राइट? तो आपको इन्होंने ओवरनाइट ब्रेन वॉश करके ये जो सूडो जो है विज्ञान और जो है विद्वान लोग पैदा किए, जिन्हें जिन्होंने अपने कल्चर में, अपने सभ्यता में उन्हें अच्छी चीज नहीं लगी, और फिर जो है इन नेताओं ने पहले जो है इस्लामिक जो रूलर थे, उन्होंने जो है कल्चर को जो है ना डोमिनेट किया, आपके जो है मंदिरों को खराब किया, उन्होंने जो है उनको मूर्तियों को मस्जिदों की जो ना सीढ़ियों में चुनवा दिया, मतलब इतना हाई डिग्री ऑफ डिसरिस्पेक्ट। हाँ, तो एक एक पूरा जो है वो हुआ, और हमारे जो है विद्वानों ने लोगों से पैसे लेके और उनको उनसे जो है ना उनको पैसा दिया गया, उनको उसको पद्मश्री दिया गया, पद्म भूषण दिया गया, उन्होंने आपकी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर दिया है। उन्होंने उन्होंने आपसे आपके सुनहरे जो पल हैं, सुनहरी चीजें हैं, आपने जो बहुत सारी युद्ध जीते हैं, जो बहुत अच्छा काम हुआ है जिसमें जो ना 100-100 150-150 साल जो है ना वो इन्वेजन नहीं कर पाए, उस सब इतिहास को छिपा दिया है। और ये और इन छिपाने में जिन लोगों ने काम किया, जो लेफ्टिस्ट विंग ने काम किया, जिन लोगों ने काम किया, चाहे वो रोमला थापर हो, चाहे वो शर्मा हो या झा हो, ये सब दुष्ट लोग जो है कहीं ना कहीं देव एक पार्टनर, उन्होंने कहीं ना कहीं इन नेगेटिव लोगों से साझेदारी की। अब उसके ऊपर रिसर्च करके उन्हें कन्फ्रंट करना चाहिए, ये डिक्लेयर करना चाहिए कि आप ये बताइए कि आप इतने नालायक थे, आपने ये चीजें क्यों छिपाई हैं। आज उनको कन्फ्रंट किया जाए, लेकिन उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगी। तो केवल जो है ना, और इस सब के लिए जो एनर्जी है वो राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। आपने मालूम नहीं देखा कि नहीं देखा है, हमने एक उनका पोस्ट किया जो एक इंटरव्यू है सुशील पंडित जी का, राइट? और वो अरे नहीं देखा हो तो उसको देखिएगा। उसमें ये कहा गया है कि भाजपा ने देखो इतना 370 को करके इतना माइलेज हासिल किया, वही भाजपा जो है वो बैकडोर से फिर से 370 जैसे ही नालायकी वाले काम कर रहे हैं। जिन जो है सेपरेट लोगों को जो है आपने जेल में डाला था, नजरबंद किया था, और लीगली उनका जो है नजरबंद को एक्सटेंड किया था 6 महीने 8 महीने के लिए, उनको आपने छोड़ दिया। तो आप आज आप एक्सटेंड कर रहे हो, 3 दिन बाद छोड़ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन तो है। फिर आप जो है एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि जो लोग 15 साल से वहां पे हैं केवल वही वहां के डोमिसाइल सर्टिफिकेट के हकदार होंगे। फिर आपने कहा कि साहब जो है आपके जो चतुर्थ कैटेगरी के नौकरी हैं वो जो है केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो परमानेंट डोमिसाइल होंगे, राइट? फिर उसके 3 दिन बाद एक दूसरा नोटिफिकेशन होम डिपार्टमेंट जारी कर देता है दिल्ली से कि साहब जो है सभी नौकरियां सिर्फ उन्हीं को मिलेंगी, चाहे वो गजेटेड 2 हो 3 हो 4 हो, सभी वो जो कि वहां के डोमिसाइल होंगे। तो जो चीज को आप 370 के तहत आप इतने साल से लड़ रहे हैं, ये बैकडोर से उन सब चीजों को क्यों ला रहे हैं? उन शक्तियों को जिनको जेल जाना चाहिए, जो कि विदेशों से पैसा पा रही थी, जो खुले तौर पर जो है ना राष्ट्र को धमकी दे रही थी कि ऐसा कर देंगे, आग लग जाएगी, तिरंगा को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा,
इन लोगों को उनके द्वारा कही बातों के लिए जिम्मेवार बनाते हुए उन्हें जेल जाने की बजाय, उनको प्रोसिक्यूट करने की बजाय, जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को जो है ना मर्डर किया, रेप किया, और उन्होंने उसको छिपाया नहीं, उनको सेखी के से कहा, जिनके ऑलरेडी वीडियो एविडेंस अवेलेबल है कि उन्होंने जो किया है और उसकी सेखी भी बता रही है, उसमें हम केस रजिस्टर करके उनको जेल क्यों नहीं भेज रहे हैं? तो ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब चिंतन के विषय हैं। मैं चाहूंगा कि आप चिंतन करें, अपने लोगों से करें, अच्छे लोगों को जोड़ें। और हमारा सोचना है कि यदि ये नेता इतने दुष्ट हैं, इतने बदमाश हैं, इतने मक्कार हैं, इतने अपराधी हैं, इनकी सोच दूषित है, किसी तरीके से सत्ता को हासिल कर सकते हैं, तो क्या हम सब लोग मिलके 540 अच्छे लोगों को नहीं खो सकते हैं, जिनके जो है ना, जिन्होंने जीवन में अपनी जिंदगी लगा दी है, उनके अनुभवों को क्राइम फ्री भारत मॉडल से हर आदमी तक ज्ञान बांट के नहीं, बल्कि प्रोडक्ट और सर्विसेज के फॉर्म में पहुंचा दिया जाए, और वेल्थ को जो है ना 5 गुना और 10 गुना बढ़ा कर दिया जाए। इन लोगों की लाइन छोटी करने की बजाय अपनी लाइन इतनी बड़ी कर दो कि वो अपने आप इनकी लाइन छोटी हो जाएगी, राइट? तो दो तरीके होते हैं, एक तरीका तो होता है कि अपनी पूरी एनर्जी लगा के दूसरे की लाइन छोटी करो, राइट? जैसा भी अपराधी है, ये बदमाश है, ये मक्कार है, नालायक है, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं, राइट? नहीं हो पाएगा। हाँ, और दूसरा तरीका ये है कि अपनी लाइन इतनी बड़ी कर दो कि ये अपने आप बौने दिखने लग जाए। तो मेरा सोचना है कि समय आ गया है कि हम इन सब चीजों पे लोगों को लाएं और उनको ऊपर काम करें, उसमें लॉ क्या बनना चाहिए वो एडवोकेसी तैयार करें, उनको प्राइवेट लॉ के तहत आज की डेट में जो है ना पार्लियामेंट और विधानसभा में उसे पेश कराएं। ये ना बनने देंगे क्योंकि इनकी सोच नहीं है, लेकिन कहीं रिकॉर्ड पे तो आएगा कि हमें कैसा कानून चाहिए। और कल जो है ये इतने दुष्ट हैं तो इनको एक्सपोज करके इन्हें सत्ता से हटाया जाए। वो जो है बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, सब ताले एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, इसी थैले के चट्टे बट्टे हैं सब। तो इनको सबको भगाया जाए और अच्छे लोगों को जो है ना तपस्या करके पैदा किया जाए, जो ऑलरेडी जिन्होंने जिंदगी लगा दी है, उनके काम को जो है ग्राउंड में कन्वर्ट करके लोगों तक पहुंचाया जाए। और जी मेरी एक बात सुनिए, ये अगर नया कोई तैयार होता भी है तो देखिए दिल्ली का हाल। अगर जनता नहीं, देखो देखो बेसिकली जो आप अन्ना हजारे जी का और केजरीवाल जी का बात कह रहे हैं, ये देखो इसमें अन्ना हजारे जी बहुत सज्जन व्यक्ति थे, राइट? इन लोगों ने उनको मूर्ख बनाया। आप ये बताइए, आपने एक ये आंदोलन खड़ा किया कि हम लोकपाल एक्ट लेके आएंगे तो भारत जो है ना वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। अब मैं इन लोगों से पूछता हूँ कि लोकपाल एक्ट भी आ गया, लोकपाल को पदस्थ हुए कई साल हो गए हैं, आपको आपके लोकपाल का क्या नाम है मालूम है क्या? तो उन्होंने जो है उसमें वो चीजें क्यों पैदा नहीं की जो कि होना चाहिए थी? उस लोकपाल को यदि कंटिन्यू करने के लिए केवल जो है ना कि उसको बाहर निकालने के लिए केवल कि वो अपराधी का रिकॉर्ड हो जाए, कन्विक्शन हो जाए, या दिमाग तौर पे जो है ना पागल हो जाए, या यही डिस्क्वालिफिकेशन क्यों है? यदि ये डिस्क्वालिफिकेशन होती कि आपका ये परफॉर्मेंस ऐसे रेट किया जाएगा और यदि आप इतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे तो आप अगले साल कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो वो व्यक्ति कुछ करता। आज तो जो है ना वो चुपचाप बैठने में उसे ज्यादा फायदा दिख रहा है कि बाद में मुझे जो है ना कहीं का गवर्नर बना दिया जाएगा, कहीं का कुछ बना दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसे ही शक्तियों को चाहिए ना। तो ये बहुत जरूरी है कि अब अच्छे लोग जुड़ें और वो जो है कुछ करके दिखाएं। मतलब जो है वो एक्शन प्लान उनका रेडी होना चाहिए कि हम इसको ऐसे करेंगे। यदि उसके लिए कुछ कानूनी में बदलाव चालू है तो कानून का ड्राफ्ट पहले से रेडी होना चाहिए। वो ड्राफ्ट जो है चाहे अपोजिशन के जो है ना मेंबर से या प्राइवेट बिल,
हम आज की विधानसभा आज की लोकसभा में भी पेश कराने की कोशिश करें, जिससे कि उसकी जो है ना बारीकियों पे चर्चा हो, और यदि उसमें कुछ रिफाइनमेंट की जरूरत है तो अभी हम ट्रायल सिस्टम में ही उसमें वो रिफाइनमेंट कर लें, और जब मौका मिले तो उन सब चीजों को एग्जीक्यूट किया जाए। हाँ, आप सहमत हैं मेरी बात से? हाँ हाँ, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, हम आपकी बात को पूरी तरह से समझ रहे हैं। अब मैं राजेश परियार जी ये समझना चाहूंगा कि आपका जो है, आपका थोड़ा सा परिचय भी जानना चाहूंगा, और इस महायज्ञ में आपकी क्या भूमिका हो? देखिए साहब, मैं राजेश परियार राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ हिंदुस्तान परिषद का, एक संस्था चलाइए, उसमें चलने की बात है, और ये जो पॉलिटिकल पार्टियां बनाती है कि हिंदू 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 करके सिर्फ अपना वोट मांगने के लिए हिंदू हिंदू करती है, उनके बारे में कुछ नहीं सोचती। उस समय तो इलेक्शन के बारे में हिंदू हिंदू करती है। नहीं, वो तो इसलिए नहीं सोचता है क्योंकि उसके पास कोई मॉडल नहीं है ना, उसका उसका कोई पाथवेज नहीं बनाया है उसने, नहीं वो कैसे जमीन पे उतारेगा ये है ही नहीं, तो ये जो स्लोगन है मूर्त बनाने के लिए है ना। मेरी बात आप समझिए कि हिंदू हिंदू तो करते रहते हैं, हिंदुओं को तोड़ने का मेन कारण क्या है? आज हिंदू कहाँ है? आपने एक रिजर्वेशन दे रखा है, रिजर्वेशन कोटे की वजह से आज हिंदू एक हो ही नहीं पा रहा है। देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक जो ऐसे जैसे आपने कहा कि तोड़ने के लिए आपने जो है ना व्यवस्थाएं कर दी हैं। दूसरा ये है कि इसमें इंटरनेशनल फोर्सेस लगे हुए हैं और वो इंडियंस का ही यूज कर रहे हैं, बहुत सारा ऐसा मटेरियल इंटरनेशनली, और कि आपको कैसे डिवाइड करें, कैसे आपको तोड़ें। तो इसमें आप राजीव मल्होत्रा जी को सुनिए जरा, वो उन्होंने जो है एक किताब लिखी है ब्रेकिंग इंडिया, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस। तो अंतर्राष्ट्रीय वो शक्तियां कौन सी हैं और वो कैसे काम कर रही हैं और कैसे इस देश को तोड़ने में लगी हुई हैं, उस बात को आज का जो है इंटेलेक्चुअल समझे और उस पर बहस करे और वो ताना बाना बुने जिससे कि वो तोड़ना संभव ना। ये इन चोरों से, इन क्रिमिनल से, इन लोगों से जो है ना ये सोचना बहुत संभव नहीं है कि जो अपने हित में जुड़े हुए हैं। आज आप ये बताइए कि जो भी पॉलिटिकल डोनेशन है उसको जो है ना डिक्लेयर, आपने बॉन्ड जारी किए उसमें जो है ना डोनर कौन है वो उसको बताने की जरूरत नहीं है। आई एम सेइंग कि यदि 5 पैसा भी आ रहा है तो दैट शुड कम विद द आइडेंटिटी, विद द आधार कार्ड, और उसपे भी चाहे 5% या 10% टैक्सेशन जरूर होना चाहिए। आप जो है ना 1000 करोड़ इस तरीके के जो है ना आपको डोनेशन मिल रहे हैं और आपको जो है ना कोई आपको वो नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं कि उसको आप आम आदमी जैसा 30, हम कह रहे 5% उससे जो है ना टैक्सेशन लो, तो रिकॉर्ड में तो रहेगा ना। इस चीज का भी मैं सारा कुछ रिसर्च किया कि जो डोनेशन होता है, डोनेशन जितना भी हो रहा है, मैं 110% कह रहा हूँ ये गलत हो रहा है, क्योंकि इसमें जब कोई डोनेट करता है तो संस्था को डोनेट हो रहा है, जिस पार्टी को डोनेट हो रहा है उसपे ओनली 60% ही जाता है लीगल। नहीं तो ये जो है, यदि वो हम उसकी रूटिंग डिजिटल कर देंगे उसमें जो है ना डोनर की आइडेंटिटी कैप्चर होगी, यदि हम ये कह दें कि कोई भी अनआइडेंटिफाइड और नॉन डिजिटल मनी लेने के लिए आपको पावर ही नहीं है। यदि मैं डोनेट करता जाता हूं तो मुझे बैंक के थ्रू ही आपको डिजिटल ट्रांसफर करना पड़ेगा। जब जो है सब्जी वाले जो है वो फोन पे पे पेमेंट लेने लगे हैं तो हम ये बंधन जो है ना सभी राजनीतिक पार्टियों पे क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि जो पैसा देगा वो आपको कंट्रोल करेगा। तो इस देश को जानने की जरूरत है कि पैसा कौन दे रहा है, कहीं वो आपको अपने हित के लिए कंट्रोल तो नहीं कर रहा। सही बात है, अदरवाइज आप सत्ता का पा रहे हैं बहुत सारे दूसरे मुद्दों पे और कंट्रोल आपको कोई दूसरा कर रहा है, और आप चूंकि क्रिमिनल हैं
आपकी सोच कुंठित है, आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, तो बस आप ऐसे कुछ कुछ स्लोगन जारी करते रहेंगे, अच्छे अच्छे ग्राउंड पे कुछ होगा नहीं। इस साल का हमने देखा था, एक दिन पेपर में ही देखा कि बीजेपी को 3,500 करोड़ का डोनेशन मिला इस साल। हमें एक चीज बताइए कि एक 10-15 रुपए की पर्ची काट के आप 3,500 करोड़ नहीं इकट्ठे कर सकते हैं जब तक एक मुश्त आपके पास पैसा नहीं आया। हम तो ये कह रहे हैं कि जो ये गया है बियॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी, नंबर दो पे कहा कितना पैसा मूव हुआ, ये सारा पैसा नंबर दो में मूव हुआ। और जो जो आपको पैसा दे रहा है वो बैकेंड से आपको कंट्रोल भी करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ डोनर को एक एडवोकेसी करने का भी अपन पावर है कि जैसे मान लो मैं 1,000 करोड़ दे रहा हूँ तो आई कैन से के साथ जो है इस तरीके का भारत हमें चाहिए, हमें 1,000 करोड़ इसलिए दे रहे हैं कि आपको पॉलिसी फ्रेम में आप ऐसी चीज लाएं और उसमें डिबेट हो जिससे बैकडोर में कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, ये संभव नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे लॉबिंग जो है बाहर होती है वाइट में कहे ना, सो दैट उस पर डिबेट हो, देन उससे जो है ना हमारी प्रायोरिटीज निकल के सामने आए। अभी आपका सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि साहब 20 घंटे में 21 जो है ना आपने एक्ट पास किए हैं, उस पर कोई कोई बहस नहीं हो रही है पार्लियामेंट में। तो ये फिर डेमोक्रेसी कैसे हुई, ये कानून कौन बना रहा है, किसके लिए बना रहा है, तो डिबेट क्यों नहीं हो रही है, इसको जो है ना पब्लिक में डिबेट क्यों नहीं हो रही है। और जो मैं बहुत जोर से कहता हूं कि ये डेमोक्रेसी है ही नहीं। पहला तो आपका जो प्रतिनिधि चुन रहा है वो आप सही प्रतिनिधि को नहीं चुन रहे हो, आप अपराधियों को टिकट दे रहे हो, राइट। फिर आप जो है ना गलत पॉलिसीज के माध्यम से उसे जिता रहे हो, तो चाहे वो गरीबी बांट के जिता रहे हो, चाहे जो है ना ताड़िया या दारू या कास्ट में बांट के या रिलीजन में बांट के, माध्यम कुछ भी हो, आप जो है गलत सिद्धांतों से उसको जिता के ला रहे हो, राइट। और जीतने के बाद वो फिर भी आपकी बात कहने की स्थिति में नहीं है, उसे पॉलिटिकल वेब से वही बात कहना पड़ती है जो कि उस पार्टी की सोच है, और वो पार्टी की सोच क्या है वो किसी से डिबेट नहीं कर रहा है, उस पर कोई बहस नहीं हो रही है, उसको जो है ना क्रिमिनलाइज नहीं किया जा रहा है, एक्ट बन रहे हैं, बाहर कर दिया जाएगा, बहस होगी भी तो बाहर कर दिया जाएगा, जो बहस करने के लिए तैयार होगा बाहर कर दिया जाएगा, नहीं तो फिर ये डेमोक्रेसी कहां से हुई। अच्छा दूसरी बात है कि जो व्यक्ति अंदर बहस नहीं कर पा रहा है, आप पॉलिटिकल डिसिप्लिन के माध्यम से बाहर भी बहस नहीं करने दे रहे हो, अपनी बात तो वो बाहर भी नहीं कह पा रहा है, नहीं कह पाएगा, तो फिर डेमोक्रेसी कहां है भाई। पहले तो वो हमारा प्रतिनिधि चुना हुआ नहीं है क्योंकि गलत तरीके से मूर्ख बना के चुना गया है, राइट। और फिर जो चुन भी गया है जैसा भी, अच्छा बुरा काना लूला नालायक बदमाश भ्रष्टाचारी अपराधी जैसा भी है, कम से कम वो हमारी बात तो कहे, तो ना वो पार्लियामेंट के अंदर हमारी बात कह पा रहा है, ना ही वो पार्लियामेंट के बाहर हमारी बात कह पा रहा है। तो यदि हमारी बात वो कह ही नहीं पा रहा है तो वो हमारा पार्टी कहेगी, वो वही बोलेगा जो पार्टी बोलेगी, और पार्टी जो बोल रही है उस पर बहस हो रही है, नहीं पार्टी जो बोल रही है उस पर बहस नहीं हो रही है, राइट। और आपने 370 हटा दिया, फिर बैकएंड से जो है ना ये अधिनियम लाके आप उसी तरीके की चीजों को जमीन में क्यों लाने की कोशिश कर रहे हो, उन्हीं फोर्सेस को पॉलिटिकल पार्टी बना के, उन्हीं फोर्सेस को जिनको आपको जेल में डालना चाहिए था उनको जो है आप फिर से पानी दे रहे हो, उन्हीं को यूज कर रहे हो। तो जवाहरलाल नेहरू जी की मजबूरी हो सकती थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की क्या मजबूरी, भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी है, जो जिसके जन्म में ही ये बात लिखा था कि 372 को हम हटाएंगे, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, उसकी क्या मजबूरी है, और वो जो है ना इसकी पब्लिक डिबेट क्यों नहीं कर, वो गुपचुप गुपचुप अपने मन से कुछ सोच के कर रहा है जिसमें कि बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। आप जो है
पौने 2 लाख करोड़ जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट मान के आप जो है उसको माफ कर दे रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट का, क्यों माफ कर दे रहे हैं? इट इज ए पब्लिक मनी, ये आपकी मनी नहीं है। आप जो है अब योगी जी जो है उन्होंने जो है बीजेपी के जितने लोगों के खिलाफ केस थे उनको विड्रॉ करने का काम किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके कहा कि नहीं आप नहीं कर सकते हैं। तो अब तो हमें सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहलाना पड़ेगा और कहलाना चाहिए कि आप क्रिमिनल्स को खड़ा नहीं कर सकते। यदि आप क्रिमिनल्स को खड़ा कर सकते हैं तो फिर जो है ना आईपीएस अधिकारी भी क्रिमिनल हो सकता है जब तक कि वो उसको सजा सिद्ध नहीं हो गई है। बल्कि फिर तो आप जो है ना यदि क्रिमिनल्स को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं तो सेवाओं में भी लो, फिर अच्छी तरीके से अत्याचार हो जाना दिया जाएगा। आईएएस आईपीएस ऐसे हो जो कि मर्डर्स किए हो, फलाना किए हो, राइट? जैसे कल्चरल एक्टिविटी के लिए मास्क होते हैं ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए भी मास्क है, तो यदि क्राइम इतनी अच्छी चीज है तो। अदरवाइज ये समय आ गया है कि हमें पॉलिटिकल अल्टरनेटिव तैयार करना होंगे। यदि पॉलिटिकल अल्टरनेटिव आप तैयार नहीं करेंगे तो ये दुष्ट लोग कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। मुलायम सिंह भी उसी थैली के चट्टे बैठते हैं, बिल्कुल समाजवादी भाजपा का भी उसी थैली के चट्टे बैठते हैं, वो सब एक और ममता जी तो जो है ना बदमाशियों की पराकाष्ठा कर रहे कश्मीर में ज्यादा, जम्मू एंड कश्मीर में कितने हजार जो है ना रोहिंग्या उनको जो है ना बर्मा से आके कैसे वहां पहुंच गए वो कश्मीर तक, उनको जम्मू में कैसे आपने उनको वो दे दिया। तो आप इन किन प्रकार इलीगल एक्टिविटी करके वोट बैंक बना रहे हैं जिसमें कहीं पे भी राष्ट्रहित राष्ट्रीय वो नहीं है, और जिनको आप फ्री भी बांट रहे हो वो खुश हो रहे हैं, देखा जाए तो ये उनके मुंह पे थप्पड़ है, देखा जाए तो उन्हें निकम्मा बनाने की साजिश है, निकम्मा ही बन रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप हमें परचेजिंग पावर दीजिए ना, हमें कर्मठ बनाइए, आप हमें वो शक्ति दीजिए जिससे कि जो भी हमें एज ए ह्यूमन बींग खरीदने की ताकत होना चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए। आप मुझ में सामर्थ्य पैदा करिए, आप जो है यदि मान लो मैं किसी कारण से वीकर हूं और मैं कम्पीट नहीं कर पा रहा हूं तो चाहे कोचिंग का सपोर्ट दो चाहे बुक का सपोर्ट दो, लेकिन हमें मेरिट पे लाइए। नेगेटिव मार्क्स पाने वाले लोग जो है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में वे आपके डॉक्टर बन रहे हैं, क्या इलाज करेंगे आपका? फिर इन नेताओं को तो अपना इलाज विदेश में कराना होता है, तो ये ये ये, ये कौन सा तरीका है? हम अपनी शिक्षा को खराब कर रहे हैं तो भाई जो है हमारे लोग जो है ना विदेश में पढ़ने जाएंगे, हमारे स्कूल लोग जो है ना वो सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? ये कंपलसरी क्यों ना कर दिया जाए कि सभी ब्यूरोक्रेट के बच्चे जो है सभी नेताओं के बच्चे कंपलसरली सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। यदि जिसके बच्चे जो है ना सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे उन बच्चों को जो है टिकट और जो है ना चुनाव लड़ने का हक नहीं होगा। नहीं नहीं, 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 मैं इस चीज को उठाए हुए हूँ इस बात को, देखो आपके उठाने या बैठाने से फायदा नहीं होने वाला है, राइट? आपको वो अल्टरनेटिव क्रिएट करना पड़ेंगे एज ए राजनीतिक विकल्प। यदि आप राजनीतिक विकल्प पैदा नहीं करेंगे तो ये दुष्ट लोग अपनी चालबाजी से करेंगे और चुनाव तो उन्हीं को लड़ना है, वो तो क्रिमिनल को ही टिकट देंगे। आप जो है इवन यदि ये कह रहे हो कि मेजोरिटी को भी नोटा में कर दिया जाए तो भी वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। मतलब यदि जो है मेजोरिटी नोटा की आती है तो हमारा नियम ये होना चाहिए कि उन सभी कैंडिडेट को हारा माना जाए बाय द नोटा और उनको 10 साल तक लड़ने का हक ना दिया जाए। जहां पे नोटा जीत रहा है वहां तो उन पे वो बंदिश भी लगना चाहिए कि यदि आपको नोटा जीतेगा तो आप 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन ऐसे नियम कौन लाए? ये तो नहीं लाएंगे, ये तो दुष्ट लोग, ये तो वो लोग हैं जो कि रातों रात अपने जो है ना सैलरी जो है ना बढ़ा लेते हैं, अपने पर्क बढ़ा लेते हैं, पब्लिक को मालूम ही नहीं होता, उसमें एक एक इंच की जो है ना और वो एक लाइन की डिबेट नहीं होती है। ये बताइए विडंबना है इस देश के ब्यूरोक्रेट जो 35 साल 45 साल जो है ना अपनी जिंदगी का लगा रहे हैं पब्लिक सर्विस में,
उनको पेंशन का हक नहीं है, और ये एक दिन भी यदि इलेक्ट हो जाएंगे तो पेंशन मिलेगी। क्यों मिलेगी पेंशन? कैसा नियम है ये? क्यों ऐसा नियम है? कौन बदलेगा इसको? तो वो पॉलिटिकल पार्टी बनना चाहिए जो ये कहे कि इन सब नियमों को मैं बदलूंगा, मैं ये सब नियमों को लाऊंगा, और ये जो लाऊंगा इसका ड्राफ्ट ये है, और जो ड्राफ्ट है उसे भी प्राइवेट मेंबर के तहत कोशिश करें कि अभी इसी पार्लियामेंट और इसी विधानसभा में जाए, जिससे कुछ डिबेट तो अभी हो, इनको एक्सपोज करने का मौका मिलेगा ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब कुछ जो है ना वो बिल नहीं आ पाएंगे, जहां पे जो बिल भेजने वाला है उसका भी हितों का जो जहां पे नुकसान हो रहा है वो तो ऐसा बिल नहीं लाएगा ना। यदि आप कहेंगे कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी तो ऐसा बिल कोई भी प्राइवेट मेंबर लाएगा क्या? नहीं लाएगा। क्यों लाएगा? नहीं, क्यों लाएगा ये बताओ ना मुझे। सही है। तो हमें चारों तरफ से जो है ना रणनीति बदलना पड़ेगी। हमें साइंस और टेक्नोलॉजी में जिन लोगों को काम किया है उनको लाएं, एग्रीकल्चर के फील्ड में जिनको काम किया है, जिसने स्पेस के फील्ड में काम किया है, जिसने कल्चर के फील्ड में काम किया है, और उन लोगों को भी आइडेंटिफाई किए करें जिन्होंने झूठ को बढ़ाया है, जिन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण दिए गए हैं, उन्हें कन्फ्रंट किया जाए कि तुमने ये गलत बात कही है, इन सही तथ्यों को आपने क्यों उन्होंने छिपाया है। तो या तो ये कहो कि मैं मूर्ख था इसलिए नहीं समझ पाया, नहीं तो आपको प्रोजीक्यूट किया जाए, ना प्रोजीक्यूट किया जाए तो कम से कम आपके जो है ना अवार्ड अवार्ड तो छुड़ा लिए जाए। आर्टिकल 370 पीछे से बैकडोर से नेहरू जी ने कैसे घुसाया? क्या सोच थी उनकी? उन लोगों की क्या सोच है? जब हम युद्ध लड़ रहे हैं तो हम LOC को जो है ना क्रॉस नहीं करेंगे, कौन सा वो है? क्यों नहीं करेंगे? युद्ध जब होता है तो चारों तरफ से होता है। कहते हैं ना एवरीथिंग इज लीगल एंड जायज, कहते हैं प्यार में और युद्ध में हर चीज जायज होती है, ठीक है? नहीं होती है। तो आप अपने जो है ना लोग, कारगिल में हम लोगों ने कितने लोगों को इन विचारों के कारण, हमारे कारगिल में कितने ऑफिसर, कितने जवान मरे हैं। आपको क्या हक है कि आपको जो है ना 93,000 हमने जो बांग्लादेश में इनके जो है ना लोगों को पकड़ा था उसको हम ठीक ढंग से जो है वो ना कर पाए, उसको जो है हमने क्यों जो है ठीक ढंग से नेगोशिएट करके जो हमारी समस्याएं पाकिस्तान से थी हमने उन सबको क्यों रिजॉल्व नहीं किया? आप ये बताइए, आपके देश के प्रधानमंत्री को जो है ताशकंद में मार दिया गया, उसकी पत्नी कह रही है कि इनका पोस्टमार्टम कराइए, हमें संदेह है ये कैसा देश है जहां के प्राइम मिनिस्टर की पत्नी की मांग करने के बाद भी उस व्यक्ति का जो है पोस्टमार्टम नहीं होता है? ये पोस्टमार्टम ना करने के लिए कौन लोग जिम्मेवार हैं? क्या उनको एक्सपोज नहीं होना चाहिए? तो हमें पॉजिटिव भी काम करना है, जिन्होंने नेगेटिव काम किया है उनको हमें घेरना है और उनको अपनी बात कहने का पूरा मौका देना है। हमें उन्हें, हम उनसे कहें कि देखिए ये चीज आ रही है सामने, यू डिफेंड योरसेल्फ। कम से कम हम कुछ नहीं कर सकते तो उनकी भर्त्सना तो करें। उससे जो इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस हैं उनको कहीं ना कहीं जो है बांधने में हमें उनको रोकने में हमें मदद मिलेगी। अभी तो ये फोर्सेस जो है बाहर से NGO के रूप से उनके पास पैसा आ रहा है, एंड दे आर डूइंग एंटी नेशनल एक्टिविटी। ऐसे NGO को कटघरे में क्यों खड़ा ना करें जो गलत फैक्ट्स को जो है रिपोर्ट बना के भेज रहे हैं और उस रिपोर्ट की कॉपी इंडिया में सरकार के पास भी नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही है? एनी रिपोर्ट सेंट बाय एनी NGO टू एनी फॉरेन अथॉरिटी, इट हैज टू बी शुड बी सबमिटेड टू वन अथॉरिटी। 18 उसमें चाहे तो नियम बना दें कि वो किसी थर्ड पार्टी से शेयर नहीं किया जाएगा, लेकिन उसकी अपनी बॉडी होगी टू एनालाइज कि जो रिपोर्ट सबमिट की गई है वो सही है कि नहीं है, उसमें तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा तो नहीं गया है। तो जो इंडिया डिवाइसिव फोर्सेस हैं उनको अपूत जो ना पैसा मिल रहा है, और सो कॉल्ड भारतीय इंटेलेक्चुअल साले बिके हुए लोग ये उनके पैसे के लिए झूठ यहां से कट करके झूठी बातें और झूठी रिपोर्ट और झूठी जो है ना वो भेजते हैं। ये चरित्र है। तो ऐसे लोग जो है कम से कम उनको एक्सपोज किया जाए,
आप इस मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो, मान रहा हूं। तो चलो एक मिनट मैं ओके चलिए राजेश जी आपसे बात करेंगे। बिल्कुल 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 राइट, थैंक यू।